तो क्या चाहते हैं कि कैसे नेता को आप वोट दें? ऐसे नेता को दें जो काम सही करता रहे, सड़क वगैरह भी सही नहीं हो रही यहाँ ढंग से, जो है 2.5 साल से ख़राब पड़ी है और इन लोगों ने बड़ा परेशान कर रखा है। रिक्शा चालक जो है गरीब आदमी है, जाने नहीं देते, नो एंट्री। किसने परेशान कर रखा है आप? ये पुलिस वाले हमको बड़ा परेशान करते हैं, सवारी को ना अंदर ले जाने दें ना ये हमारे को जाने दें बाजार में, मेन बाजार के अंदर बिल्कुल भी, बहुत बुरा हाल कर रखा, पकड़ पकड़ के चलान काटते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये सवारी जो है बिल्कुल गली गली में ले जाना चाह रहे हैं? बाजार के अंदर जाए, गलियों में से लाए, बाजार में ले जाएंगे तो जाम नहीं होगा क्या? जाम, इससे कोई जाम नहीं लगेगा, बड़ी गाड़ी वालों को ये रोकते नहीं, क्यों उनको रोकेंगे, ये तो मिनट से पहले इनकी बदली हो जाएगी। ये किसको रोकते हैं किसको नहीं रोकते हैं? ये बड़ी जो भी गाड़ी बड़ी जाती है उनको रोकते नहीं है लोग, ये छोटे ही आदमी को परेशान करेंगे तब भी करेंगे। यानी कि आपको ही समस्या खाली देते हैं लोग? हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसे कभी कहीं पे भी जाम लगता है इनकी गलती निकालते हैं, इन पे लट बजाते हैं लाठी चार्ज और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, आप वोट किसको देंगे यहाँ पर? अब तो हम विचार बन रहा है, किसी को भी नहीं देंगे हम लोग, वोट ही नहीं देंगे आप? नहीं देंगे, गुस्सा है पूरा। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं हम वोट ही नहीं देंगे, वो किसी भी पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। अभी कैसा, किस टाइप का नेता चाहते हैं आप रुड़की में? अभी तो सारे नेता ऐसे ही हो रहे हैं ना, जीतने के बाद जो है ना फिर कहते हैं, पहले कहते हैं कि सब काम कराएंगे, उसके बाद कोई काम नहीं कराता। किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के राज में जो है ना इतनी परेशानी नहीं थी ना। मैं कोई नेता है जो आपका साथ देता है? अभी तो कोई ऐसा नेता नहीं है, जितने जिसको भी वोट दिए हमें परेशानी हुई, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हमें फायदा हुआ हो। तो फिर कांग्रेस को क्यों वोट देंगे आप? कांग्रेस में हमें कोई दिक्कत तो नहीं थी ना, अब सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, पहले हमें कम मिलता था। अच्छा। हमें मान ले किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी ना कांग्रेस के टाइम में। अब ज़्यादा है ना स्पोर्ट्स के, मतलब ज़्यादा है क्रिकेट के है, हर एक स्कूल से बंदे नए नए निकलते हैं, तो हमें स्पोर्ट्स की ज़्यादा चाह रहा। ये भी विशाल ना, हाँ देखिए विशाल जी हैं, ये विशाल जी भी खड़े होने वाले हैं, तो बाकी नेताओं को बता दें हम कि अब चुपचाप बैठ जाएं वो लोग। हाँ जी आप बता दिए, बता दूं मैं? हाँ जी, चलो जी, ये हम बता देंगे कि विशाल खड़े हो रहे हैं, हरियाणा का बंदा है, अब रुड़की में छाएगा। तो अच्छा, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि रुड़की में समस्या क्या क्या है? देखो रुड़की में तो इस टाइम अपराध की एक समस्या बढ़ती जा रही है, देहात क्षेत्र में खास तौर से। ठीक है, 2 महीने में लगभग 80 लूट हो चुकी हैं और कुछ मर्डर भी हुए हैं। राजनीतिक तौर पर राजनीतिक के सब सही काम कर रहे हैं यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और बीजेपी ही यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और आगे भी वही देगी यहाँ पे। बीजेपी क्यों, मतलब पांच सांसद पहले भी यहाँ बीजेपी के थे, इस बार ही 5 ही आएंगे यहाँ पूरे। अच्छा। हाँ, यहाँ कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी यहाँ बिल्कुल उत्तराखंड में। कांग्रेस को आप नहीं वोट देंगे तो क्या सीट नहीं मिलेगी? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस सच्चा है, बीजेपी के सांसद काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हरीश रावत जी प्रदेश को लूट कर चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ लूटने से जितने भी उनके आदमी थे, रिश्तेदार थे, सब लूटने के चक्कर में लग गए थे उत्तराखंड को। इसलिए वे दोनों जगह से एक मुख्यमंत्री होते हुए एक भी सीट नहीं बचा पाए अपनी दोनों में से, उन्हें तो जीतना चाहिए था एक सांसद का चुनाव, वे एक विधायक भी नहीं बचा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है, जबरदस्त फॉल्ट है जो जनता ने इस तरीके से नकारा उन्हें। बात बताइए कि आप बीजेपी को वोट करेंगे या किसी व्यक्ति को वोट करेंगे? नहीं, व्यक्ति को वोट किया जाएगा खास तौर से, अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो उसे वोटिंग करा जाएगा, पार्टी से वो नहीं है हमारा। अभी तक तो खैर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है किसी भी चीज़ का, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदवार होते हैं आपके नज़र में, कुछ अच्छे उम्मीदवार होते हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये आ जाएंगे तो बेहतर होगा? जैन साहब अगर आते हैं बीजेपी से, ज़्यादा सुनने में आ रहा है वापसी कर रहे हैं बीजेपी में, तो एक अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे और सीट निकालने के भी चांस होने के रहेंगे। इनके अलावा तो फिर ये सवाल लाना ही है, वो तो कांग्रेस में है, भले कांग्रेस में हो लेकिन इतना खराब उम्मीदवार साबित नहीं हुए रुड़की के लिए। अच्छा, अभी ये चीज़ क्लियर। अच्छा, ये चीज़ आप बताइए कि आप पार्टी पर विश्वास रखते हैं या व्यक्ति पर? व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं हम। तो या आप ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस ने खराब काम किया? कांग्रेस ने खराब काम किया है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया लूटने से सिवाय। अच्छा। हाँ, मैं व्यक्ति पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने वास्तव में हरीश रावत जी ने लूट कर दिखाया प्रदेश को। अच्छा, ये आप मानते हैं कि बीजेपी में भी खराब लोग हैं? हाँ बिल्कुल है, बीजेपी में खराब लोग नहीं, ये तो नहीं मैं कहूँगा कौन खराब है, लेकिन है बीजेपी में खराब, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर जगह अच्छे आदमी नहीं हो सकते। किस पार्टी को सबसे पहले बताएं, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए पार्टी तो कोई विषय या मुद्दा नहीं है। अच्छा। केवल एक व्यक्ति विशेष,
व्यक्ति विशेष होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो व्यक्ति काम करने वाला होना चाहिए। कैसा ऐसा कौन व्यक्ति आपको दिख रहा है, मालूम चल रहा है? देखिए बीच में जो है केवल फिलहाल तो जो है शहर के अंदर जो भी व्यक्ति जो है इस टाइम टिकट लाने के चक्कर में है और वो टिकट जो है पैसे के बलबूते पे ला रहे हैं और उसमें बहुत लोगों के नाम हैं और जो पैसा देकर टिकट खरीद कर लाएंगे स्वाभाविक है कि वो रुड़की का कभी विकास कर ही नहीं पाएंगे। वो केवल पहले अपना विकास करेंगे, उसके बाद रुड़की का जो कुछ बचा कुचा होगा और रुड़की की झूली में डाल दिया जाएगा। ऐसे कौन लोग हैं जो कि टिकट खरीद रहे हैं? ये नहीं, इसके लिए नाम आप ना खुलवाए तो ज्यादा अच्छी बात है, ये तो प्राइवेसी है, ये तो प्राइवेसी। अच्छा ऐसे कौन लोग हैं जो टिकट नहीं खरीद रहे हैं? बहुत बहुत जने हैं उसमें, जैसे सर्वप्रथम एक सबसे बड़ा नाम गौरव गोयल जी का है जी। हमारी जानकारी में है कि गौरव गोयल जी बगैर पैसे के केवल एक सामाजिक छवि के कारण वो जो है शहर के बीच में है और हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनको ही टिकट मिले और वो वाक्य में ही एक विजयी उम्मीदवार है इस टाइम मेयर पद के रुड़की के लिए। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वही सिर्फ उम्मीदवार हैं? योग्यता के अनुसार अगर आप उन्हें देखना चाहेंगे तो वो परिपूर्ण योग्यता से परिपूर्ण परिपक्व है, सामाजिक दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी। सामाजिक दृष्टि से ये है कि पिछले 3-4 साल से गौरव जी के द्वारा जो निर्धन अनाथ बच्चे हैं उनको कॉपी पेंसिल वितरित करने का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने स्वयं उनके साथ रात को 1:30 बजे दो बजे रात्रि में जो गंगोट ढंड में गरीब व्यक्ति सड़क के किनारे लेटा हुआ है उसके लिए कम्बल का रजाई का उन्होंने बंदोबस्त किया है। ये कहने वाली बातें नहीं होती, कहने के बाद आदमी जो है सब झूठा हो जाता है, लेकिन करने वाली बात। हमने स्वयं उनके साथ जो है इन सामाजिक कार्यों में भाग लिया है। अच्छा और कोई नहीं दिख रहा आपको रुड़की में जो काम कर रहा है या रुड़की के विकास के लिए काम कर रहा है? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से कोई चेहरा? लोग बात कहते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि अगर तो गौरव गोयल के अलावा भारतीय जनता पार्टी में किसी और को टिकट मिलता है, आज हमारी बात आप इस चैनल के माध्यम से सार्वजनिक भी कर दीजिएगा, वो 99.501% ये चुनाव हारेगा। मतलब अभी तक लोग 100% की गारंटी दिया करते थे और आप जो है 501% की गारंटी दे रहे हैं गौरव गोयल के ऊपर। अच्छा ये बताइए कि अभी कोई और, अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि पार्टी पे मैं विश्वास नहीं रखता, अभी आप भाजपा ही कर रहे हैं? नहीं अभी भाजपा, ये भाजपा वाली बात नहीं, अभी तो आपने भाजपा बोली कि भाजपा से मिलता है तो भाई और भी। अच्छा रुड़की में और कौन कौन सी पार्टियां हैं? रुड़की में कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उत्तराखंड क्रांति दल है और भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो है ही नहीं? आम आदमी पार्टी भी है जी। अच्छा, तो अभी तो ये लोग क्या कुछ काम नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई सामाजिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। मैं स्वयं अपने आप में जो है पिछले 22 साल से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक व्यक्ति के बारे में परिपूर्ण जानकारी रखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे या गौरव गोयल जी को वोट देना पसंद करेंगे? ये टिकट की बात है, टिकट अगर जो वाकई में अच्छे व्यक्ति को मिलता है तो हम पार्टी को वोट करेंगे और टिकट अगर किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है तो हम पार्टी को वोट कतई नहीं करेंगे। यानी कुछ भी कर लीजिए, मतलब ये दोनों बातें हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। आपका ये कहना है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, यदि पार्टी में अच्छा व्यक्ति नहीं आता है तो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, एकदम कसम खाली आप। बिल्कुल कसम खाली गंगा में यही कसम है ये। अरे कई बार ऐसा होता है कि इंसान पार्टी के साथ रहता है हर दम तक। बिल्कुल नहीं जी, पार्टी क्या करती है, पार्टी जो है टाइम पे कोई जो कहते हैं हवाई प्रत्याशी उसको उतार दिया। अब ये थोड़ा ना कि हवाई प्रत्याशी जो है आप दिल्ली से लाके जो है यहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन को कहने लगे कि रुड़के का चुनाव जिता दो और जिता दिया तो पता लगा अमिताभ बच्चन तो जो है बॉम्बे में पड़ा है, अब उसको कोई काम करवाना है तो बॉम्बे जाना पड़ेगा हमें, ऐसे कैसे संभव है? आपको चाहिए बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी। जी किसी और पार्टी से भी नहीं है कोई सामने नहीं है जी। कांग्रेस से बता दीजिए कोई तो ना, हम इस बारे में कोई वार्तालाप करना नहीं चाहेंगे जी।